एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 10। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है कि एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर जो है वो हमें दिया गया है 20 मीटर, ठीक है, जो कि एक तार से बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तार हमने ली है 20 मीटर, ठीक है, जिसका कि हमने स्क्वायर बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन समझ लो एक बार पहले, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सेम वायर इज यूज टू मेक अ रेक्टेंगल। सेम वायर यानी कि 20 मीटर की वायर को ही जो है हमने यूज किया है एक रेक्टेंगल बनाने के लिए, ठीक है, जिसका लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है, ठीक है। तो यानी कि इसके ब्रेथ का ट्वाइस होगा ये। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो कहा है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो कितना होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड्स का सम। अब अगर एक ही एक तार जो है 20 मीटर थी, जिससे पहले जो है वो स्क्वायर बनाया गया था, ठीक है, अब उसी तार से एक रेक्टेंगल बनाया गया, तो पेरीमीटर तो सेम ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको फिगर दिया गया है इसका अपने पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए जो है हम यहाँ पर ये वाली साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 3 मीटर है, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 मीटर है, ठीक है। अब इन सब ये जो है वो कितना हो गया, ये 4 हो गया टोटल, ठीक है। ये भी हमें लेंथ नहीं दिया गया है, तो ये 1 मीटर का है, तो ये भी 1 मीटर का हो जाएगा। सबको प्लस कर दो, तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आंसर कितना आ गया, 18 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 64 टाइम द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर। 64 टाइम है, तो एक मान के चलते हैं हम 1 जो है वो उसका साइड हो गया, ठीक है, और दूसरा जो मतलब कि स्क्वायर है वो उसका 64 टाइम है। तो साइड इंटू साइड होता है एरिया, यानी 64 टाइम है, तो इसका साइड जो है वो 8 × 8 होगा, तभी 64 बनेगा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ दीज टू स्क्वायर्स। तो इनका रेशियो क्या होगा, तो 8:1 होगा, है ना, क्योंकि इसका साइड 1 था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब जो है वो कितना होता है, तो वो होता है 216, 3 की पावर 6 है, यानी 3 को आपने 6 टाइम लिखना है, ठीक है, 3 × 3 × 3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 729, यानी कि 3 की पावर 6 जो है वो, ठीक है, ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसकी पावर जो है वो क्या है, इवन नंबर में है, ठीक है। तो जब इवन नंबर में पावर हमें दिया गया है, तो -1 को जब हम मतलब कि 192 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का 1 बनेगा, ठीक है। और वहीं पर जो -1 ये ऑड नंबर में दिया गया है, तो जब इसको जो है वो हम सॉल्व करेंगे तो ये -1 बनेगा, ठीक है। तो 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 1026। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो सबसे पहले 1000 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10³। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10³ और 6 × 10³, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन है। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेस सेम है, पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, तो पावर जो है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो -2/3, 2 + 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2/3, इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो -2 को जब आपने 5 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, -32, और 3 को जब आपने 5 टाइम यानी कि इस तरीके से लिखना है आपने, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, है ना, फिर 9 × 3 = 27, और इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो है वो कितना बन जाएगा, 243। तो -32/243 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 27³ को जो है वो आपने 3 का बेस फॉर्म में जो है वो शो करना है। तो 27 को हम कैसे शो कर सकते हैं, ये 3 का क्यूब होता है, अब 27 का भी क्यूब है, तो ये यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे पावर जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 9। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
टू की पावर जीरो, ठीक है, यानी कि वन, जिसकी भी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, प्लस में थ्री की पावर जीरो यानी कि वन, फोर की पावर जीरो यानी कि वन, फाइव की पावर जीरो यानी कि वन, तो वन प्लस वन प्लस वन जो है वो थ्री हो जाएगा, थ्री को वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, थ्री। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, इफ सेवन टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सेवन, यहाँ पे पावर जो है वो फाइव दिया गया, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बेस तो सेम है, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर जो है वो इक्वल हो जाएंगे फिर यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है 2x इज इक्वल टू 5 यहीं पे रख देंगे, माइनस 1 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, कटिंग करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअल फॉर्म ऑफ 4.351 इनटू 10 की पावर 4, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 की पावर 4 है तो बेसिकली जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो पॉइंट है वो राइट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है, तो 4 है, ठीक है, 10 की पावर 0 है, तो एक यहां से पॉइंट हटा इधर आ जाएगा, दूसरी बारी, ठीक है, तीसरी बारी और चौथी बारी, फिर 0 लग जाएगा, तो 43510 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1234, तो 1234 को हम किस स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर सकते हैं, तो बेसिकली हमें इसे 1.234 बनाना है, इसके लिए जो है वो हम इसमें क्या करेंगे, 10 की पावर कितने हमने यहाँ पर जो है वो बेसिकली कितने के बाद हमने पॉइंट लगाया, 3 डिजिट्स के बाद, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, -7 इसका पावर जो है वो 5 है इंटू -7 इसकी पावर 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, ठीक है, बेस सेम है तो पावर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, है ना, तो जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -7, यहाँ पे इसकी पावर जो है वो 7 है। अब इसको डिवाइड करना है, -7 इसकी पावर 4 है, तो डिवाइड होता है, अब बेस सेम है तो डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पावर है वो माइनस हो जाता है, ठीक है, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो माइनस 7 का क्यूब जो है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर एनी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर x एंड y, x की पावर 4 है और y की पावर 4 है इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा वो आपने बताना है, ठीक है, तो दोनों की पावर सेम है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय y, दोनों की पावर 4, ठीक है, जो कि थर्ड ऑप्शन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 का क्यूब है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, अब 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/8, ठीक है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। हमने एक नया टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बनाया है ताकि आपसे डाउट जो है वो क्लियर कर सके। यहीं पे खत्म, बाय बाय।